तो चलो भाई, इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक प्रोडक्ट की जो कि अमेजोन से मंगाया। पास में आओगे तो दिख जाएगा, ठीक है। वैसे गर्मी बहुत है, पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। सब्सक्राइब तब कर देना पसंद आए तो। ये है कटर, आप केला भी इस्तेमाल कर सकते हो इफ यू आर फैन ऑफ साउथ इंडियन मूवीज, ठीक है। तो चलो भाई, भाई बड़ा बुरा हूँ इस मामले में। वैसे लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं डब्बा खोल के, अपने 10,000 भी होंगे तो भी चलेगा डब्बा खोल के। ओके तो ये प्रोडक्ट है अपना, आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा ये क्या प्रोडक्ट है। क्वांटम का गेम पैड है। डब्बे को रखते हैं साइड में, कॉम्बो बनाया है, कॉम्बो था नहीं, जबरदस्ती का कॉम्बो बना दिया है इन्होंने। इसे 980 का मार्क करके डाला हुआ है अमेजोन पे। इसका प्राइस 980 रुपीज़ है, मतलब 1,000 रुपये के अंदर आपको दो गेम पैड मिल रहे हैं। एंड लेट्स सी, खोल के देखते हैं इन्हें भी। यार यार ये तो जबरदस्ती का कॉम्बो बना दिया है। वैसे क्वांटम के बारे में एक बात बता, ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली ब्रांड है। मतलब हम इंडियंस को माइंड सेट को ध्यान में रख के इस ब्रांड को शायद बनाया गया है। इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। इसका 100 रुपीज़ का कीबोर्ड आता था पहले, एंड 150 रुपीज़ का कीबोर्ड माउस किट आता था क्वांटम का। एक माउस भी, एक फुल फ्लच कीबोर्ड भी आपको उसके अंदर मिल रहा था। तो अब उसी का ये गेम पैड है, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं है। खोल दिया है हमने और बात करते हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन है। ओके, 8-वे बटन सेटअप है जो आप पढ़ सकते हो इस पर। इसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन कर रखी है और मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा सारे स्पेक्स इसके। ये पता नहीं क्या दे रखा हैप्पी अनहैप्पी। ओके, फीडबैक के लिए है। एक डिस्क है इसमें, इसके ड्राइवर्स होंगे। अगर वैसे डिस्क ड्राइव आज के टाइम में बहुत कम पीसीज में लोग यूज़ कर रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा सब। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो एक ज़्यादा खास बिल्ड क्वालिटी नहीं है, ओके ओके है। इस प्राइस पॉइंट पे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मूर्खता साबित हो सकती है। बट इसी के आसपास का जो प्राइस पे रेड गियर के भी आते हैं, एंड वो जो मैं पर्सनली मैं यूज़ कर रहा था रेड गियर के है मेरे पास, वो थोड़ा सा बेटर बिल्ड क्वालिटी है उसकी। इनके कपैड प्लास्टिक काफ़ी चीप सी फील हो रही है। वहीं यूएसबी केबल की क्वालिटी ठीक है, थोड़ा मोटा वायर है यहाँ पर, और 1 ईयर की वारंटी आपको देखने को मिलती है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इस पे। यूएसबी वाइब्रेशन आपको कुछ नहीं करना है, यूएसबी पावर्ड है, कोई अलग से कुछ नहीं है ना, RGB इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफ़ी मतलब वीक सी है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी। ओके, अगर आपको गेम पैड चाहिए ना, तो इससे दूर रहना, 1,000 रुपये वेस्ट है आपके अगर आप इसको परचेज करते हो तो। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट यही है मेरा। वाइब्रेशन ना के बराबर है, फील ही नहीं होगा भाई, रत्ती भर फील नहीं होगा। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, जो इसके बटन का लेआउट है वो भी XYAB फॉर्मेट में नहीं है, अजीब सा लेआउट है, आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा हर गेम के अकॉर्डिंग। तो रेड गियर आप प्रिफर कर सकते हो, उसके गेम पैड में यूज़ कर रहा हूँ, और जो उसके गेम पैड की क्वालिटी है वो बेटर है, वाइब्रेशन ऑसम है, ज़बरदस्त है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका बाय लिंक मिल जाएगा, अगर आप परचेज करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, बट उस चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो ये वीडियो थी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।